यार ये तो बात है, हमारे नए नए भाइयों का इन्हें ब्रेन वॉश कर रखे हुए सिर्फ नुकम हमें हिंदू और तो हिंदू है ही नहीं। जट सर्टिफिकेट देने लगा जट तो हिंदू होंगे ही नहीं, जट तो खालिस्तानी आतंकवादी है फलाना ढिमका यार वाह। मेरे भाई जाटा ने महाराजा सूरजमल कौन था बड़े पूछना चाहूँ तो से बैठे बीजेपी के अर्शदी भाई के नाम लिया करें। ये मुसलमान जो रेहड़ी वाले हैं जो मजदूर हैं जो इलाका खाली कर जो फलान कर जो दगड़ कर जो जो मुसलमान हमारे भाई हैं जो गरीब हैं जो निर्दोष हैं जिनके अंदर कट्टरता को नहीं वो हमारे भाई हैं भाई। और गल्ला खड़े हैं दलबल के साथ में आज यो बजरंग दल वाले आज यो अरे कच्छेदार ये आज यो बीजेपी वाले आज यो मैं हमारे भाई हैं गल्ला खड़े हैं चौ हिंदू इबन बताई मेरी आस्था अल्लाह में है मैं तो को नहीं कहूँ भाई जय श्री राम। इबके जरूरी थोड़ा है कि जय श्री राम का कहना जरूरी है, यो कौन सा सर्टिफिकेट है जय श्री राम का तो देश में रहूगा नहीं तू तू देश द्रोही है कौन कहता मैं जय श्री राम मेरी मर्जी। हाँ भाई हाँ, सीमा दो दिन का अल्टीमेटम दिया गया था मुसलमान हाँ, हाँ, निकल जाओ दुकान लेकर बताने मेवात के अंदर मेवात के अंदर उनके घर तोड़े जा रहे हैं बेचारे गरीबा के उन्हें कड़े पत्थर मार रहे हैं जब प्रशासन को कहने लग रहा है जब प्रशासन की रिपोर्ट या बात कहने लग रही है कि भाई इन रोले दंगे को नहीं करे बाहर ही थे सारे के सारे को हरियाणा का था कोई यूपी का था कोई राजस्थान का सारे के सारे बाहर के आ रहे थे घर उनके तोड़ने लग रही सरकार शर्म को नहीं आती सरकार ने। हाँ भाई इसलिए जब दम से सरकार के पिछवाड़ा में दम से है अपना आप नुका हम ठेकेदार समाज के तो जाकर उस बजरंगी का तोड़ दो घर है उस मोटू का 200 किलो का आदमी वो हाँ भाई उसका तोड़ दो घर जाकर ने उस मोनू मानेसर का तोड़ो ना घर जाकर लोगों ने भड़काने लग रहा वो दो भाई उसने राजस्थान के अंदर मार दिए थे गऊ का नाम पे। अरे ऐसा मर्द का बच्चा है तू है यह तो बात है हमारे नए नए भाइयों का इन्हें ब्रेन वॉश कर रखे हुए सिर्फ नुकम हमें हिंदू और तो हिंदू है ही नहीं। जट सर्टिफिकेट देने लगा जट तो हिंदू होंगे ही नहीं, जट तो खालिस्तानी आतंकवादी है फलाना ढिमका यार वाह। मेरे भाई जाटा ने महाराजा सूरजमल कौन था बड़े पूछना चाहूँ तो से बैठे बीजेपी के आरएसएस के दल हमेशा धर्म खातिर कुर्बानियां दी जाट ने जोड़ी भर भर कहने हमारी माया ने हमारी जो हमारे पूर्वज हैं सूरजमल कौन था जाट था लड़ा हिंदू खातर। हाँ भाई वीर गोकुला कौन था लड़ा इन खातर जो राजा जवाहर सिंह कौन था सारे के सारे आज तक हमारे भाई पूर्वज भी लड़ते आए हैं फिर मामा हारे और देश में कौन लड़ा। हाँ भाई मुसलमान हमारे भाई जब बारी जब 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 ताकत आई है तो हमारे पूर्वजना ने हमारा इतिहास रहा है और मामने भी हथियार उठाए हैं देश का मामने राष्ट्र सर्वोपरि देश सर्वोपरि है। देखो जो हाँसी में घटना हुई अपना आसपास कदे देखने नहीं मिली अगर इस तरह की घटना दोबारा दोहराई जावे तो किसानों की तरफ से क्या एक्शन रहेगा। तो मेरे भाई मैं बता दूं जो हाँसी के अंदर को नहीं जींद के अंदर भी हुई है बिहाने के अंदर भी हुई है सार रिया करी है इन लेकिन कच्छेदारिया बजरंग दल आया माई का हाथ में प्रशासन ने कंधा को सरकार क्योंकि इनकी है इन तीनों बेरा धर्म मुकदमा लगता को नहीं रेडी आया ने मन ने भी देखी दी वीडियो अग्नि भाई के नाम लिया करें। ये मुसलमान जो रेहड़ी वाले हैं जो मजदूर हैं जो इलाका खाली कर जो फलान कर जो दगड़ कर जो मुसलमान हमारे भाई हैं जो गरीब हैं जो निर्दोष हैं जिनके अंदर कट्टरता को नहीं वो हमारे भाई हैं भाई। और गल्ला खड़े हैं दलबल के साथ में आज यो बजरंग दल वाले आज यो अरे कच्छेदार ये आज यो बीजेपी वाले आज यो मैं हमारे भाई हैं गल्ला खड़े हैं चाहे हिंदू और चाहे मुसलमान हो जड़ा जड़ा गलत होगा जाट उड़ खड़ा पाओगा। हाँ भाई अनुमान कौन बनते मैम बीजेपी विरोधी हो मैं बीजेपी विरोधी हूँ मेरे भाई यार जो फर्जी जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं मैं ना ना भाई बता मैं करता हिंदू विरोधी हूँ। हाँ भाई मैं तो अल्लाह अकबर भी कहूँ मैं तो श्री राम भी कहूँ। हाँ भाई मैं सारे धर्म में जायजा भी करूँ मैं सारी जातियाँ जायजा करने लग रहा हूँ मैं कहूँगा जय श्री राम बता वो तो फर्जी राम का नाम तो जो वोट लेने लग रहे हुए हैं असली के नाम ले आ रहे हैं डाकू तो देश के लुटे रहे। हाँ भाई बीजेपी का विरोध इसलिए कर रहे हैं मेरे भाई 2016 में मैं नमा राख मांग गया था अक भाई मैं नमा राख दे दो आरक्षण दे दो इन हमारे भाई मारे 30 इमाम और बॉर्डर को ऊपर मांगा थे 7.5 जब मारे इन्हें। हाँ भाई इमाम बीजेपी का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें तेल बेच दिया इन्हें रेल बेच दी इन्हें देश की बेटी बेच दी इन्हें लाल किला तक बेच दिया। हाँ भाई देश का छोड़ दिया को नहीं किसी पर रोजगार छोड़ दिया नहीं कड़िया शिक्षा छोड़ी नहीं इन्हें। हाँ भाई इन्हें सिर्फ धर्म की राजनीति करे मेरे भाई से गुंडे लफन गया था तुम हमने आजादी चाहिए है इस देश ने आजादी चाहिए आरएसएस है इस देश ने आजादी चाहिए है बजरंग दल जैसे इन गुंडे इन मोवालियां था इस देश ने आजादी चाहिए है जो सत्ता के अंदर जो लुटेरे बैठे हैं जो हमारी हड्डियां खाने लग रहे जो हमारे ना मांस ने उसके खाने लग रहे इस देश ने इन आदमियों से आजादी चाहिए है। अरे ये देश हमारा है किसान का ये देश किसान ने इस देश का तरसब की मैं कराया आज अगर इस देश किसान का दे दिया जाओ मेरे भाई किसान का दे दिया जाओ अंबानी के मैल बिक जाएंगे सरकार बिक जाएगी सरकार के जोर से कोठड़े है नहीं सारे के सारे बिक जाएंगे किसान का धंधे ही नहीं किसान ने चुस चुस के खाने लग रहे हैं।
देखो बहुत से किसान इतने ऐसी बनकर मंत्री एमएलए बन रहे हैं, उनकी के कुछ कहना चाहो जो आपकी कैटेगरी के भी हैं। बिल्कुल भाई, मैं दूर क्या जाऊं, ये दुष्यंत बैठे फुसियंत है, मत इसने दुष्यंत कंधा है निकड़ा, दुष्यंत है लेकर देवलाल का नाम पे वोट है और जाकर बीजेपी को दिन बैठ गया और बोले मैं तारा मसीहा मैं करूंगा तारा भला। इसका बाप हो जाए चुटाला नु कहने लगे किसान फर्जी है, फलाना फर्जी है, लेर तीसरा दिन सर्टिफिकेट देने फर्जी है और लंगवाड़े हो इजड़े टाइप के आदमी हो तो हमें शर्म आनी चाहिए। हाँ भाई, हमने फर्जी को हमने वोट दिए ही ना गा भाई, और दिए किसने थे, हमने के ब्रह्म में जयचंद सारी को मामा है भाई, आपकी में भी सबकी में भी है, सारे धर्मा में सारी कुम्मा में जा चंदे मारे लकड़ गई गलती के करा इनका जो नू में बात में सो है। इससे 4-5 महीने पहले है विधानसभा में विधायक मोहम्मद खान ने बोला था प्याज की तरह फोड़ देंगे जो मोनू मानेसर इधर आया तो। अच्छा मोनू मानेसर आया तो मेरे भाई मैं उसका पक्ष थोड़ा ही ले रहा हूं, वो जो एमएलए लाओ सारा का मुकदमा। हां भाई लाओ ना उसका मुकदमा, लाया सरकार ने मुकदमा, कौन लाओ बैंड तो गरीबा की गाक सरकार तो उसे से गुंडे मोवालियां का जमा भी कौन लाओ है। मैंने कौन गंदा सिर्फ ये मुन्ना बजरंगी के वो बजरंगी टजरंगी और के वो बिट्टू बजरंगी इनका नाम भी गुंजान दिया हम तो एक मोनू मानेसर मम सिर्फ इन कौन गंदे कि इनका मुकदमा लाओ, इनके घर तोड़ो, घर उनके भी तोड़ो जो दूसरे पक्ष से भी बड़का गेड़ रहे हो, मुसलमान नाम 2-3 भाई है वो भी जो गेड़ रहे हैं घर उनके भी तोड़ो छाड़ेंगे, गरीबा घर तोड़ने लग रहे उनने के कर रखा है। फिर कहते रोंगणी आए तो बाहर से आए हुए हैं तारी बेबे के लोग पल आएंगे बस रहे हैं इन कच्छेदारी है। आज तक 9वीं-10वीं सदी में जब तो ये कच्छे भी हैं जो कच्छेदारी है ये इस देश में भी घूमते ना इनका संगठन था जब तक बिछरे 9वीं-10वीं सदी तक हुए। हाँ भाई जब हुए मेो जब हिंदू बनाए थे हिंदू ठेकेदार हिंदू बनने कौन दिए हुए। हाँ भाई वो मुसलमान बन के जाएगा ना अगले आज भी मेवात के अंदर कहा भाई माँ मेो हाँ मेो हाँ उनकी गर्व फील हो मेो कही थे। देखो लोग नू भी कहे कि हमने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी जो मेवात के आजादी हाँ, का टाइम बिल्कुल, बिल्कुल क्या मानो आप बिल्कुल भाई इतिहास ठेगा आप इतिहास के अंदर जाओगे ना सबसे ज्यादा जब जब ये अफगानी आए हैं या अंग्रेज आए हैं या मुगल आए हैं जिला के लड़े हैं भगाए हैं उनके मेवातियां जमा जिला का भाई उनका उड़ना पाना रहना सहना सारी हमारी वेशभूषा सारी की सारी मेवाती हमारे भाई हैं। हाँ भाई भाई तक तक लगे भी लड़े हैं सारे के सारे पूरा देश लड़ा है ये कच्छेदारी कदे ने लड़े इनकी साले ने नंगड़ा ने आज तक बताया देने के योगदान आजादी में योगदान रहा हो मुगला प्रति इनका योगदान रहा हो 80 साल होगी इस देश में जड़ गड्या 82 साल होगी भी इन्हें और इसने बनी ने। हाँ भाई आज तक इन्होंने बताया दो देश खातर कराया के है सिर्फ देश में भड़कान खातर दंगे करवाण खातर तो इन्हें इतना तो कराया जरूर देश में इन सब भड़काई है और इन्हें देश खातर कुछ नहीं कराया फर्जी देशभक्त हैं भाई ये असली देशभक्त तो ये हैं जो तिरंगा में लपेट लपेट के हमारे भाई आए हैं। हाँ भाई ये नु कहने जाट खड़ा जा रहे हैं जाट तो सीमा के ऊपर बैठे हैं भाई तिरंगा में लपेट के आओ देश खतर लड़ने लग रहे हैं अड़ा तारी दुकानदारी खतर कौन लड़े जाट तो मेडल लेके आने लग रहे हैं जाके देख लो। हाँ भाई 99% मेडल जाट लेके आओ जाट तोड़ लड़ने लग रहे हैं जाट अपने खेत में है इस देश ने कमा कर देने लग रहा जाट तो खेती करने लग रहा जाट तो। हाँ भाई जाट इन चीजा है तेरे को बने अमरे भाई जाकर अंदर किसी का घर फेंक दिया किसी आग में कर दिया जाट की तो प्रणाली रही है शुरुआत है हमारी खप्पा का भी रहा है कि भाई जड़ा गल तो होगा चाहे वो हिंदू ने कराया हो चाहे मुसलमान ने कराया हो और चाहे किसी ने भी कराया हो हम तो उसका विरोध कराएं करांगे उसका सहमे कर जाए हथियार उठाने पड़ गए तो पाछे भी को नहीं हटा हम तो सही गल लागेंगे। बबुल भाई आपने एक बात कही है कि जो काम है जो सारा बीजेपी सरकार ने करवाया इलेक्शन के लिए करवाया 24-71 लेकिन साल सवा साल पड़ी है तो और आगे भी और कुछ हो इसके भाई मैं बताने लग रहा ना हरियाणा के अंदर अब तो है रिजल्ट होगा इस चीज का जातीय दंगे होंगे 100% सरकार कर रही है सारे के झंडे चला रहे हैं। हाँ भाई आप गुजरात के अंदर देख ले पटेल नॉन पटेल कर रहे हैं जाट नॉन जाट कर रहे हैं यूपी के अंदर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं जड़ा जिसकी आबादी दिखा है उसे दूसरे टकराए दे अगे तारे दुश्मन है जबकि यार कोई किसी का दुश्मन है ही नहीं। हाँ भाई बहुत जल्दी 1.5 साल के अंदर मैं दिखाता हूँ 6 महीने के अंदर आड़ हरियाणा भी जल्दा दिखाऊंगा भाई इतने क्योंकि इनका पेट में जो ये कराना चाह रहे थे नहीं कि भाई हिंदू मुसलमान कर दो तो होया कौन इन पे ये भी है जाट नॉन जाट करेंगे अरे भाई हम तो इसे लड़ा को नहीं हाथ जोड़ा हमारे तो सारे धर्म है भाई हैं और सारे जातियां हैं भाई हैं सबको मारा सर फोड़ दियो। भाई ये बताइए आपकी नजर में असली हिंदू कौन है। असली हिंदू वो हमरे भाई जो सर राम का नाम लेकर अपने बाका ने पालन लग रहा जो राम का नाम लेकर है। हाँ भाई जो अपनी मेहनत करने लग रहा असली हिंदू कर्म वाला है यो असली हिंदू को नहीं जो शायद लोग गए घर फुकन लग रहे हैं। हाँ भाई ये तो राम का नाम लेकर जय श्री राम कहना होगा है अगर इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा इस देश में रहना इबनू बताई मेरी आस्था अल्लाह में अहमद को नहीं कहूँ भाई जय श्री राम इबके जरूरी थोड़ा है कि जय श्री राम का कहना जरूरी है यो कौन सा सर्टिफिकेट है जय श्री राम का तो देश में रहूंगा नहीं तू देश द्रोही है कौन कहता मैं जय श्री राम मेरी मर्जी। हाँ भाई।